ऐसे एक शेर है कि मेरी जमीन भी तुम्हारी जमीन से मिलती है, दीदाए पीरे हस्ती बेबसी भी एक सी। हमारी कहानी एक, हमारी मुसीबतें एक, हमारी उम्मीदें एक, फिर भी हम वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए ये प्रावधान लाने में हम सक्षम रहे। चिंता हो सकती है, आपत्ति हो सकती है उन लोगों को जिनका कहीं ना कहीं स्वार्थ पर कोई ना कोई हनन होता हो, जो 8-10% वोटर टर्नआउट के लाभार्थी रहे हों, सांसद और विधानसभा के सदस्य। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उपसभापति महोदय, मैं कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ क्योंकि काफी ज्यादा वक्ता है और हम सब गृह मंत्री जी के उत्तर की प्रतीक्षा में है। मैं केवल अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं इस बिल का। आज जब ये चर्चा चल रही है, इवन बिफोर दिस डिबेट कंक्लूड्स एंड इवन बिफोर द ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैज फिनिश्ड कंप्लीटिंग हिज रिप्लाई, दिस डे द डे ऑफ 5th of August 2019 has already gone in the history of India as a day of redemption, as a day of resurgence, as a day of rejuvenation. Article 370 was a miscarriage of history and one of the gravest blunders of the post-independence India. Uska prashchit karne ki ghadi aa jayi hai. और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम संसद के एक ऐसे समय में सदस्य हैं जब ये प्रायश्चित हो रहा है। शायद विधाता को यही मंजूर था कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी बागडोर संभालें और गृह मंत्री श्री अमित शाह हो, इसलिए हमें 70 वर्ष इसका इंतजार करना, क्योंकि परमात्मा की विधि को कोई बदल नहीं सकता। और 3 पीढ़ियां इस अन्याय और मजबूरी को झेल करके यहां तक पहुंची। बात लंबी नहीं करनी है, मुझे हैरत इस बात की हुई कि कांग्रेस पार्टी को इसको लेकर के क्यों आपत्ति हुई। हमने तो उनका अधूरा काम पूरा किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं कह गए थे ये अस्थाई है, टेम्पररी है, और उनका ये वाक्य था कि ये धीरे धीरे घिस जाएगी। The exact phrase used by Prime Minister Nehru was, when there was some reservations expressed, कि इसकी चिंता ना करे, ये वक्त के साथ घिसते घिसते घिस जाएगा। उनके अनुयायियों के द्वारा वो घिसाने का काम नहीं आया हुआ और ये हिस्से में आया श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह जी। और इसी प्रकार सन 1964 में एक व्यापक चर्चा हुई थी संसद में जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, और उसका उत्तर देते हुए तत्कालीन गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा था कि लगभग सभी दलों का यह मत है कि अनुच्छेद 370 के जाने का समय हो चुका है, सरकार को थोड़ा समय दिया जाए, आगे कैसे बढ़ना है हम इस पर विचार करेंगे। फिर परिस्थितियां बदलती गई, उस इतिहास में नहीं जाना, बहुत बार हमने यहां दोहराया है, सीरीज ऑफ ब्लंडर्स वन आफ्टर द अदर। और इसलिए बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं केवल इतना कहूंगा कि आज सारे के सारे जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास का माहौल है, चाहे जम्मू है, चाहे लद्दाख है जिसकी यूनियन टेरिटरी की आज मांग पूरी हो रही है, चाहे कश्मीर घाटी है। द कॉमन मैन वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ श्रीनगर टुडे इज रिजॉइसिंग इट। वो बोल नहीं सकता क्योंकि खौफ का पर्दा उसके ऊपर। कर्फ्यू खुलने से पहले ही वो रिजॉइस करना शुरू कर दिया। ही हैज ऑलरेडी बिकम अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट जर्नी लेड बाय मोदी। और इसलिए मैं बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए, जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा कि हमारा कोई स्वार्थ।
हमारा कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए ये प्रावधान लाने में हम सक्षम रहे। चिंता हो सकती है, आपत्ति हो सकती है उन लोगों को जिनका कहीं ना कहीं स्वार्थ पर कोई ना कोई हनन होता हो, जो 8-10% वोटर टर्नआउट के लाभार्थी रहे हों सांसद और विधानसभा के सदस्य बनने के। उस चर्चा में नहीं जाना। आई कंक्लूड बाई सेइंग दैट वी आर अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इंडिया टुडे इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड वी हैव नो राइट एब्सोल्युटली टू डिप्राइव जम्मू एंड कश्मीर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल वर्ल्ड। हमारी उम्मीदें एक जैसी, हमारी आकांक्षाएं एक जैसी, हमारी आशाएं एक जैसी, हमारी हसरतें एक जैसी, हमारी तकलीफें और दिक्कतें भी एक जैसी। जैसे वो शेर है कि मेरी जमीन भी तुम्हारी जमीन से मिलती है, दीदाए पीरे हस्ती बेबसी भी एक सी। हमारी कहानी एक, हमारी मुसीबतें एक, हमारी उम्मीदें एक, फिर भी हम वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। वो जैसे कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, 3 पीढ़ियों ने सजा पाई है, आज मौका है इससे आगे बढ़ने का। एंड सर्टनली एज आई सेड, वी हैव नो राइट टू डिप्राइव जम्मू एंड कश्मीर बीइंग पार्ट ऑफ ग्लोबल इंडिया एंड नो राइट टू डिप्राइव द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी द बेनिफिशरीज ऑफ दिस एनॉर्मस एवेन्यूज अनलीस्ड इन इंडिया बाय द मोदी गवर्नमेंट and to deprive Jammu and Kashmir to be a part of new India's journey led by Modi. Thank you, the Deputy Minister.